मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्पेस। आज है मंडे और कल रात का आपने ग्लिम्स तो देख लिया होगा, हवा आपने सुन लिया होगा। हवा के बाद जो बचा कुछ कारपेट था उसकी हालत देख लीजिए। मैं बैठ गई हूं, सारे प्लांट्स तो मेरे ऑलमोस्ट बेचारे मर ही गए हैं और ये पूरा एरिया यहाँ से हमने डाला हुआ था कारपेट जो कि उड़ के खत्म। बॉक्स एक्चुअली भरा हुआ है ऑलमोस्ट, ये वहाँ था उनके पैट्रियो में। आज आफ्ताब ने सवेरे सवेरे वहाँ से उठाकर वापस लाया और जो और भी दो तीन बॉक्सेस थे ना वो यहाँ से होते हुए उड़ के लिटरली वहाँ पर है। जी हाँ, लिटरली वहाँ उड़ कर गया है। कल रात की ये कथा थी। बहुत बहुत ज़्यादा हवाएं थी, फॉर्चुनेटली ये अटका हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पोल, बट पैट्रियो की हालत देख लीजिए, इतनी हवा थी। गाइस, वेलकम टू माय स्पेस। आज है वीक डे, बहुत ज़्यादा बारिश वाला दिन, अंधेरा छाया हुआ था आज के दिन, बिल्कुल सन नहीं दिखाई दिया। आफ्ताब यहीं पास में हमारे घर के पास एक क्लब हाउस है, वहाँ जिम मेंबरशिप रिसेंटली ले चुका है एंड ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो एंड ट्राई इट आउट। आई प्रेफर योगा बट काफ़ी दिनों से थोड़ा बंद है एंड बिफोर आई रीस्टार्ट हम जनरली वॉक को जाते थे, वो भी मिस कर रहे हैं, तो ही इन्वाइटेड मी टू गो विथ हिम फॉर अ वॉक टूडे। Maybe I'll use the gym access and let's see, I'll just do cardio. लेकिन शुरुआत तो बड़ी अच्छी है, let's see where it goes. हाँ, 3-4-5 किलोमीटर तक चल के आ जाऊंगी। Good, so it'll be like nice an hour walk. Nice. Yeah. Good. So yeah. I miss the outdoor walk that we used to. Yeah, but unfortunately weather permit नहीं करता है and I'm sure update मिल गया होगा आपको weather पे. Like that gym का जो environment होता है वो मुझे भी नहीं कभी पसंद आया। I prefer the group workouts or myself. But let's see. And वहाँ पे badminton court भी है, हमने बहुत कुछ check out कर लिया था। They have live classes. So this is sports dog gym clubhouse. This is part of University of East London, but this is not just accessible for the students. ये public के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है। और वहाँ पे क्या-क्या है आफ्ताब? So it is all sessions. Group sessions, live classes. If you wish to, you know, attend one, there are, I think, मल्टीपल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, थिंक बेसबॉल पिच जो हम करते हैं थ्रो, उसके भी कोर्ट है। सो इफ यू विश टू यू कैन बुक अ सेशन। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीक। Avengers. आफ्ताब, कैसा एक्सपीरियंस है सिम्बा के साथ टावर गेटवे घूमने जाना? सच वाला अच्छा ही है, बट हम फर्स्ट टाइम सिम्बा को लेके जा रहे हैं। बहुत धूप है और मजा भी आ रहा है। और हाँ, आज धूप है। सिम्बा अभी इधर उधर देख रहा है, चिल मार रहा है। Simba, why? Simba?
क्राउन ज्वेल्स वाले बिल्डिंग के नीचे से आ रहे हम एंड सिम्बा हैज नो क्लू वेयर ही इज, कुछ आइडिया ही नहीं है। सिम्बा यहाँ पे कोई नो क्राउन ज्वेल्स स्काई गार्डन शार्ड एंड सिम्बा इज वॉचिंग इट ऑल नाउ, अभी देख रहे हैं। सिम्बास फेवरेट एक्टिविटी, रेडी आफ्टर walk alone? No, I'm going out with Simba. Yee, Simba! Uthalo usko? Ready? Simba. Hey! बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए फाइनली पूरा ट्रेन देखने के बाद सिम्बा देखो कहाँ बैठा है। एक साइड का डोर होता है ना, डोर के बाजू में जो छोटा सा सीट, चीख चीख के म्याऊ म्याऊ करने के बाद अब वो सेटल हुआ है। कितना स्ट्रेसफुल है आपका तेरा भी? सच बता, बाल सफेद हो गए। All stressed. Never mind. आज सो जाएगा घर जाके।
हमारा डे टूर खत्म हो गया है। घर आने के बाद इतने थक गए हैं हम भी, और अभी घर लौटने के बाद ये देखिए, सिम्बा को हम टावर गेटवे ले गए थे, हम बिग बेन ये सब ही सोच रहे थे, बट देन वी चोज नॉट टू टेक हिम देयर बिकॉज ही वॉज अ लिटिल स्ट्रेस्ड वाइल गोइंग इन द ट्रेन। बट रिटर्न में, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटर्न में ही टोटली एन्जॉयड द राइड, आई एम ग्लैड दैट ही डिड। एंड वहाँ पर जाकर भी ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड टू सी द स्ट्रक्चर और एनीथिंग, ऑफकोर्स नॉट, ही इज़ अ कैट, ही वुड ओनली एन्जॉय नेचर। इसलिए वो वहाँ झाड़ियों में एंड पिजन्स को देख रहा था, झाड़ियों में घूम रहा था। तो हम जितना कैप्चर कर सके हमारे मेमोरीज के लिए हमने वो कर लिया, बट ठीक है, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल डे आउट एंड वी आर ग्लैड दैट हमने भी एंजॉय करा और सिम्बा ने भी एंजॉय कर लिया। वो झाड़ियों में एंजॉय कर रहा था, हमने उसके पिक्चर्स लेकर एंजॉय कर लिया। यहाँ पर ट्रेन, बस, एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनी वेयर इन पब्लिक यू आर अलाउड टू गो आउट विथ योर पेट, एंड आप उसको खुले में ले जाना चाहते हो, यू कैन एब्सोल्यूटली टेक इट, इट्स नॉट, देर इज नो प्रोहिबिशन। आई होप, आई विश, यू नो, मुंबई की मेट्रो में भी अलाउ होता। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको मुंबई के मेट्रो ट्रेन में लेकर जाने के लिए, बट देन आई वॉज नॉट अलाउड टू, तो मुझे उसको वापस घर ले जाना पड़ा रिक्शा में। लेकिन एनीवेज, ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर, आप अपने पेट को आप एक्चुअली ट्रेन में खुला लेकर जा सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो इंटरफियर भी नहीं करते अगर वो किसी सीट में बैठे हो तो। पीपल रियली डोंट माइंड, पीपल हियर गिव अ लॉट ऑफ लव टू एनिमल्स। एकाध दुका होते हैं जो नहीं पसंद करते, आई एम श्योर बैक इन इंडिया ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लव एनिमल्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट और आर स्केड। तो बस वही मुझे आपको बताना था कि यहाँ पर हर जगह आप अपने पेट्स को ले जा सकते। ऑल राइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। नई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, आई लव माय स्पेस एंड आई होप आपको भी कुछ चीज़ें पसंद आ रही हो। कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या आप चाहते हो कि मैं और कवर करूँ इन लंदन। मेरा चैनल आपको थोड़ी सी उम्मीद दे लाइफ में, चीज़ें देखने के लिए, चीज़ें करने के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए। बस इतना ही मैं सोचती हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, स्प्रेडिंग सम हैप्पीनेस एंड सम इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।